हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ रसमलाई स्टाइल गुलाब जामुन की रेसिपी। आप इसे किसी भी फेस्टिवल पर बना सकते हैं। जो भी खाए आपकी तारीफें करते रह जाए। बनाने में आसान और खाने में लाजवाब। तो चलिए फ्रेंड्स, मिठाई बनाना शुरू करती हूँ। मिठाई बनाने के लिए लेना है फुल फैट मिल्क 1 लीटर, और इसे रखें हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए। अब इसमें ऐड करें 2 से 3 चम्मच फ्रेश क्रीम, ताकि मिल्क जल्दी से गाढ़ा हो जाए। और अब इसमें ऐड कर दें 1 कप चीनी। चीनी आप पीस कर भी डाल सकते हैं। 2 से 3 छोटी इलायची, इसे तोड़कर डालें। और अब इसमें ऐड करें 2 कप मिल्क पाउडर, और इसे चलाते हुए 20 मिनट तक पका लेना है। 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मिल्क काफ़ी अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल आधा से भी ये कम रह गया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को कर देंगे ऑफ, और इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब हम गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए लेना है ब्रेड। मैं ब्राउन ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई सा भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालें 1/2 कप मिल्क, 1 चम्मच फ्रेश क्रीम, और इसे मिक्स कर लेना है। फिर इसमें डालें 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। अब इसमें डालें 1/2 चम्मच मीठा सोडा, और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए सॉफ्ट डो बना लेना है, और इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं सभी को मैं बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैं गैस पर रखी हूँ तेल गर्म होने के लिए। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए और गैस मीडियम फ्लेम पर रखें। अब इसमें सभी गुलाब जामुन को डाल दें, और इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इसे बढ़िया सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो देख सकते हैं 2 मिनट मैंने इसे फ्राई कर लिया है, बहुत ही बढ़िया इसका कलर आया है। तो चलिए अब हम इसे गर्म ही मलाई में डाल देते हैं, ताकि ये काफ़ी बढ़िया से अंदर तक सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें डालें ड्राई फ्रूट्स, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो वो डाल दें। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है रस मलाई स्टाइल गुलाब जामुन की रेसिपी। किसी भी फेस्टिवल पर बनाएं और मेहमानों को खिलाएं और अपनी तारीफें सुनते रह जाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें।